2023 की सुबह और शाम की हल्की हल्की ठंड शुरू हो गई है हर जगह, मतलब जहां पर ठंडी का सीजन होता है। और इस मौसम में मौसमी हरे पत्ते यानी कि साग मार्केट में आना शुरू हो जाते हैं, जिसमें से है एक मेथी का पत्ता जिसे मैंने एक दिन पहले ही तोड़कर फ्रिज में स्टोर करके रख लिया था और आज निकाल के इसे इसकी पूड़ी बनाने जा रही हूँ मेथी के पत्तों की। तो इसे वॉश कर लिया है अभी मैंने, बिना धोए ही रखा था, तो ये अच्छे से स्टोर हो जाते हैं कॉटन के कपड़े में अगर आप रख दें लपेट के। और यहाँ पर मैंने फूड प्रोसेसर का चॉपिंग जार चॉपिंग ब्लेड लगा के इसे चॉप कर लिया है। हाय, दिस इज सुधा तिवारी, वेलकम टू माय कुकिंग चैनल स्पाइसी अरोमा सुधा की रसोई। चॉप किए हुए मेथी के पत्ते में 2 से 2.5 कप मैंने ऐड कर दिया है गेहूं का आटा, इसी में ऐड कर रही हूँ मैं। तो एक अच्छा ये टिप है, अगर आपके पास फूड प्रोसेसर से बड़ा सा जार है तो इस तरह से कर सकते हैं, नहीं तो आप बारीक बारीक चाकू से काट लें और उसमें आटा मिला के इसकी पूड़ियाँ बना सकते हैं। अभी स्वाद के हिसाब से मैंने इसमें नमक ऐड कर दिया है और इस तरह से चॉपिंग ब्लेड के साथ मेथी के पत्ते और आटा चला देने से मेथी के पत्ते काफ़ी बारीक हो जाते हैं और सबसे बड़ी बात आटा के साथ ये बहुत अच्छे से मिक्स हो जाते हैं। हल्का सा मेथी का पत्ते की पूड़ी जो आप बना रहे हैं खस्ता चाहते हैं तो 1 टेबल स्पून देसी घी या ऑयल मिला सकते हैं 2 कप गेहूं के आटे के साथ। इसे मैंने परात में ट्रांसफ़र कर लिया है गूंदने के लिए। इसका आटा बनाने के लिए रूम टेम्परेचर पानी में थोड़ा थोड़ा पानी डालते हुए पूड़ी बनाने के लिए एक टाइट डो हम तैयार करेंगे। याद रखें, जब भी आप पूड़ी बनाने जा रहे हैं तो आटा हमेशा टाइट होना चाहिए, इससे पूड़ियाँ अच्छी बनती हैं। कुछ 5 से 10 मिनट का आप इसे रेस्ट देंगे। और यहाँ पर पूड़ी बेलना शुरू कर रही हूँ, तो चकले और बेलन पर हल्का सा तेल ग्रीस कर लेंगे, थोड़ा हाथों में तेल लगा लेंगे ताकि आटा चिपके नहीं। फिर इसके बाद बिना तेल लगाए या बिना आटे का डस्ट दिए पूड़ियाँ बेल लेंगे। तो इसमें सूखे आटे का डस्ट ना लगाएं, थोड़ा हल्का तेल लगा के ही पूड़ी बेलें, फिर इससे आपका तेल ख़राब नहीं होगा। पूड़ी की जो साइज़ होती है, ना बहुत पतला बेलें ना बहुत मोटा बेलें, और गोल पूड़ियाँ बेल के आप रख लेंगे। और यहाँ पर छोटी सी कढ़ाई में मैंने तेल को गर्म कर लिया है। पूड़ी बनाने के लिए तेल को हाई फ्लेम पर अच्छे से गर्म करेंगे और फिर इसमें पूड़ियाँ तलना शुरू करेंगे। और एक बार अच्छे से थोड़ा सा सिक जाए तो इसमें आप स्पैचुला को थोड़ा सा इस तरह से हिलाते हुए पूड़ियों को सेक लेंगे और ये फूल जाती हैं पूड़ियाँ। और बस यहाँ पे अच्छा कलर गोल्डन कलर आ जाए तो पूड़ियों को तेल से बाहर निकाल लेंगे। आप अगर इसकी पूड़ियाँ ना बनाना चाहें तो तिकोना पराठा भी बना सकते हैं, अंदर थोड़ा सा तेल लगा के बेलते हुए बहुत नरम और सॉफ्ट पूड़ियाँ बनती है। इसे आप टमाटर और धनिया पत्ते की ग्रीन चटनी के साथ या फिर मीठी दही के साथ खाएंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। तो अभी इस तरह के ग्रीन पत्तों का सीजन लंबा चलेगा, आप भी बनाइए ठंडियों में मेथी की पूड़ी। आज की वीडियो और रेसिपी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, नेक्स्ट वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा। बाय बाय।